इस कहानी में एक बाप अपनी ही बेटी के साथ खुदाई करता है और जब भी उसे टाइम मिलता है वो उसकी गुफा से नमकीन पानी निकालने लगता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम योंग नाम के बंदे को देखते हैं जो अपनी बेटी सेलिना को घसीट कर कहीं ले जा रहा था। रास्ते में शराब के अड्डे पर कुछ लोगों से योंग बात करता है। उन सभी की बातों से लग रहा था योंग ने उन सभी बंदों से पैसे उधार ले रखे हैं। फिर सभी लोग उससे पैसे मांगते हैं। तब योंग उनसे कहता है, मैं आज ही तुम सबकी उधारी चुका दूंगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक घर पर पहुंच जाते हैं जहां सेलिना की नज़र अपने ही जैसी एक लड़की और उसकी मॉम पर पड़ती है। सेलिना उसे लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो समझ चुकी थी उसकी हालत भी उस लड़की जैसी होने वाली है। एक्चुअल में ये घर उस टाउन के सबसे अमीर बंदे का था जिसका नाम टियागो था। टियागो सभी लोगों को पैसे उधार देता था और जो उनके पैसे नहीं चुका पाता था वो उनके घर की औरतों के साथ गेम बजाता था। आज योंग भी सेलिना का सौदा करने के लिए टियागो के पास आया था। टियागो सेलिना को अजीब तरह से सूंघकर चाटने लगता है और दूसरी तरफ खड़ा हुआ योंग ये देखकर खुश हो रहा था। वो एक बहुत ही घटिया आदमी था जिसने शराब के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया था। योंग के जाने के बाद टियागो सेलिना से कपड़े उतारकर अपने ही सामने नहाने के लिए कहता है। सेलिना टियागो से बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए वो डर के मारे टियागो की हर बात मान रही थी। फिर वो अपने कपड़े उतारकर नहाने लगती है। सेलिना का गोरा और कच्चा बदन देखकर टियागो का औजार खड़ा होने लगता है लेकिन कुछ सोच समझकर टियागो चुप रह जाता है। सेलिना जिस पानी से नहा रही थी वो नीचे खड़े हुए डोमिनो पर गिर रहा था। एक्चुअल में डोमिनो देख नहीं सकता था और उसके माँ बाप ने भी उसे टियागो को बेच दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं योंग रात को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था और वो अपनी बेटी का सौदा करके बहुत खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टियागो सेलिना को अपने पास आने के लिए कहता है। जब सेलिना उसकी बात नहीं मानती तब टियागो मार मार कर उसे अपने बेड पर ले आता है। अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए पहले वो सेलिना के मुंह में उंगलियां डालता है और उन्हें चूसने के लिए कहता है और फिर सेलिना के जिस्म पर कुछ मसाले डालकर उन्हें चाटने लगता है। इसके बाद वो सेलिना की गुफा में अपनी जीभ डालकर चाटने लगता है और फिर गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता है। सेलिना के लिए ये सब बहुत दर्दनाक था क्योंकि वो एकदम कच्ची कली थी और ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अपनी भूख मिटाने के बाद टियागो सो जाता है। इसके बाद सेलिना भागकर अपने डैड योंग के पास आ जाती है लेकिन योंग उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये देखकर सेलिना सब समझ जाती है कि उसका बाप एक निहायत ही कमीना और गिरा हुआ इंसान है। इसके बाद सेलिना रोते हुए वापस टियागो के घर पर आ जाती है। यहाँ पर उसे घर के नीचे डोमिनो नजर आता है। सेलिना उससे पूछती है, तुम कौन हो, क्या तुम टियागो के बेटे हो, लेकिन डोमिनो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सेलिना कमरे में जाकर टियागो से थोड़ा दूर सो जाती है। अगली सुबह सेलिना की नजर टियागो पर पड़ती है जो डोमिनो को बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि डोमिनो मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। यह देखकर सेलिना को टियागो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद दोपहर में जब टियागो लंच कर रहा होता है तब वो सेलिना को अपने पास बुलाकर उसकी गुफा में उंगलियां डाल देता है और उन्हें चाटने लगता है। इसके बाद वो सेलिना को अपने सामने बिठाकर खाना खाने लगता है। डोमिनो भी उनके पास नीचे बैठा हुआ खाना खा रहा था। इसी बीच टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा में पानी निकालने लगता है। सेलिना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन टियागो ये सब करके पूरे मजे ले रहा था। खाना खाने के बाद टियागो लोगों से वसूले हुए सोने को पिघलाकर बिस्किट बनाता है। उसने लोगों से वसूल कर बहुत सारा सोना और पैसा इकट्ठा कर लिया था। दूसरी तरफ सेलिना डोमिनो के साथ टियागो के खेतों में काम कर रही थी। यहाँ पर डोमिनो उसे बताता है, मैं टियागो का बेटा नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया है। अगले दिन मिरांडा नाम की औरत टियागो के पास अपनी चेन बेचने के लिए आती है जिसके बदले टियागो उसे बहुत ही कम पैसे देता है क्योंकि मिरांडा को और पैसे चाहिए थे इसलिए वो टियागो से अपनी छोटी बेटी जेनी का सौदा कर देती है। घर के बाहर खड़ी सेलिना उनकी सारी बातें सुन रही थी। सेलिना सारी बात समझ चुकी थी, अगर उसने टियागो की बात नहीं मानी तो उसकी हालत भी डोमिनो जैसी ही हो जाएगी और टियागो उसकी जगह किसी और को दे देगा। यही सोचकर वो अपनी मर्जी से टियागो के पास जाकर उसके साथ नहाने लगती है और नहाते हुए वो उसके औजार को भी चूसने लगती है। सेलिना का ये रूप देखकर टियागो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घोड़े पर बिठाकर प्यार से उसकी ठुकाई करता है। शाम को ये दोनों खेतों में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर टियागो उसे बताता है, पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेलिना ने महसूस किया था इतना पैसा होने के बाद भी टियागो खुश नहीं है। उसके अंदर खुशी लाने के लिए वो उसे चूमने लगती है। इसके बाद टियागो खेत में ही ठुकाई शुरू कर देता है। रात को सोने से पहले सेलिना टियागो को दूध पीने के लिए देती है। सेलिना को केयर करता देखकर टियागो बहुत खुश हो जाता है और उसे एक लॉकेट देता है जिसे देखकर सेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो टियागो से गले लगकर उसके पास सोने लगती है। अगले दिन टियागो सेलिना को बाजार लेकर जाता है। वहां से वापस आते टाइम वो शराब के अड्डे पर रुकते हैं जहां पर योंग बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। दूसरी तरफ ठेके की मालकिन
सेलिना को मिरांडा की बेटी की हालत के बारे में बताती है जो टियागो ने की थी। लेकिन सेलिना अच्छी तरीके से जानती थी सही सलामत रहने के लिए उसे हमेशा टियागो को खुश रखना पड़ेगा। रात में सेलिना नशे की हालत में टियागो को घर पर लेकर आती है। उसके सो जाने के बाद सेलिना टियागो के पास सोना और पैसे देखने लगती है, लेकिन वो उसमें से सिर्फ एक चैन चुराती है क्योंकि ये चैन सेलिना की मॉम की थी जो उसके मरने के बाद टियोंग ने टियागो को बेच दी थी। कुछ देर के बाद सेलिना नहाती है और डोमिनो के पास आ जाती है। उसके पूछने पर डोमिनो उसे बताता है, जब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी तब टियागो के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था। इसके बाद टियागो ने गर्म सरियों से मेरी आंखें जला दी जिससे मैं दोबारा कभी भी भागने की कोशिश ना कर सकूं। डोमिनो की हालत सेलिना से बहुत ज़्यादा बदतर थी, इसलिए वो उसे गले लगाकर हौसला देना चाहती थी, लेकिन डोमिनो लड़कियों के पास आने से घबराता था। उसे अच्छा फील कराने के लिए वो डोमिनो के हाथ अपने नरम नरम खरबूजों पर फेरती है। फिर वो डोमिनो का एक हाथ अपनी गुफा में और अपना हाथ डोमिनो के औजार पर रखती है। इसके बाद डोमिनो का हथियार सेलिना के हाथ पर आग उगलने लगता है। अगली सुबह टियागो अभी भी नशे में था और सेलिना नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए पहुंच चुकी थी। यहाँ पर उसके पास मिरांडा की बेटी जेनी आती है। टियागो ने उसके साथ जो किया था उसकी वजह से वो पागल हो चुकी थी। सेलिना उससे बात करने ही वाली होती है तभी मिरांडा आकर उसे ले जाती है। कपड़े धोने के बाद जब सेलिना घर पर आती है तब वो देखती है टियागो डोमिनो को फिर से पीट रहा है, क्योंकि टियागो को लग रहा था उसकी अलमारी से चैन डोमिनो ने ही चुराई है। ये देखकर सेलिना टियागो को एक चाकू देती है क्योंकि इतना पीटने से तो बेहतर है वो उसे मार ही डाले। सेलिना की बातों से टियागो हैरान था। टियागो को शांत करने के लिए सेलिना अपने कपड़े उतारकर घोड़ी बन जाती है, जिसे देखकर टियागो अपना सारा गुस्सा सेलिना की ठोकाई करके शांत करता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में सेलिना और डोमिनो बैठकर बातें कर रहे थे। आज उसे बचाने के लिए डोमिनो सेलिना को थैंक यू बोलता है, साथ ही साथ वो सेलिना को अपनी आखिरी इच्छा भी बताता है। डोमिनो की आखिरी इच्छा थी कि वो अपना औजार किसी लड़की की गुफा में डालना चाहता था। ये सुनने के बाद सेलिना अपनी टांगे फैलाकर उसके औजार को खड़ा करके अपनी गरम गरम गुफा में डालकर बैठ जाती है। डोमिनो की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं ये दोनों टियागो के साथ जाकर जंगल में कचरे को आग लगाते हैं। इसके बाद ये लोग आकर खाना खाते हैं। आज टियागो फिर से अपने पैर को सेलिना की गुफा के नमकीन पानी से नहला रहा था। आज सेलिना इसके मजे ले रही थी, जिसे देखकर टियागो उससे और भी ज्यादा खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद टियागो घर से बाहर घूमने के लिए जाता है। यहाँ वो मिरांडा को देखकर उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो जेनी का इलाज करा सके। टियागो एक शैतान था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी गलतियों का एहसास भी था। इसके बाद टियागो दारू के अड्डे पर आकर दारू पीने लगता है। दूसरी तरफ सेलिना और डोमिनो भागने की तैयारी कर रहे थे। अब रात हो चुकी थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से योंग टियागो को छोड़ने के लिए उसके घर पर आ रहा था। रास्ते में टियागो योंग से कहता है, सेलिना मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश है, वो अब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, अब मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। तभी योंग उसे बताता है, सेलिना मेरी बेटी नहीं है, मैं तो एक नामर्द हूँ, काफी टाइम पहले मैं अपना उधार नहीं चुका पाया था, तब तुमने मेरी वाइफ की ठुकाई की थी, वो तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनने के बाद टियागो शॉक हो जाता है क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी के साथ हवस मिटा रहा था। और दूसरी तरफ योंग उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेलिना एक बार फिर से डोमिनो के हथियार को अपनी गुफा के दर्शन करा रही थी। इस टाइम टियागो भी वहां पहुंच जाता है। उन दोनों को इस हालत में देखकर वो डोमिनो को मारने लगता है। तभी सेलिना गुस्से में आ जाती है और एक चाकू उठाकर उसके सीने में डाल देती है। टियागो मर जाता है। इसके बाद सेलिना और डोमिनो टियागो के पैसे और सोना लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो टियागो के घर में आग लगा देते हैं। अगली सुबह सेलिना पैसों का बंटवारा करके एक नए सफर पर निकल पड़ती है। डोमिनो भी पैसे और अपना सामान लेकर एक अनजान जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।